नमस्कार, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। बहुत सारे छात्र छात्राओं के अलग अलग प्लेटफॉर्म में कमेंट्स आ रहे थे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ये थे, जब से विश्वविद्यालय ने आपके एडमिट कार्ड एंड हॉल टिकट जारी की है, तो उसमें छात्र छात्रों को क्वेश्चन ये है कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या OMR रहने वाला है। सो यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने से पहले, मैंने पहले भी बहुत सारे इसके बारे में वीडियोज़ बना रखी हैं, बट उससे पहले कि मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेनेशन दूँ, फर्स्ट हम समझेंगे कि विश्वविद्यालय के द्वारा हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट में। एंड अंतिम वर्ष व अंतिम सेमेस्टर वाली छात्र छात्राओं ने अभी अगर हॉल टिकट डाउनलोड नहीं करे हैं तो वो ऑफिशियल वेबसाइट में, साथ ही में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहां से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया COVID-19 महामारी के दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, छात्र OMR सीट पर सभी जानकारी सही तरह से भरें, गलत जानकारी OMR निरस्त कर दी जाएगी। कोई आपका नोट्स इसमें थर्ड है, परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित प्रश्न पत्र कोड के आधार पर ही परीक्षा दें, गलत विषय कोड की परीक्षा देने पर उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा विद्यार्थी उक्त विषय में अनुपस्थित माना जाएगा, न कोई वाद विवाद इसमें स्वीकार किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त परीक्षा समय सारणी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है व प्रश्न पत्रों की क्रमबद्धता की गारंटी नहीं दी जा सकती है। साथ ही में नेक्स्ट पॉइंट बताया गया, परीक्षार्थी के दो प्रश्न पत्र एक ही तिथि एक ही पाली में पढ़ने पर किसी एक प्रश्न पत्र में आगामी परीक्षा में सम्मिलित वो हो सकते हैं, इस परिस्थिति में उस प्रश्न पत्र का शुल्क आगामी परीक्षा में समायोजित कर लिया जाएगा। सभी छात्रों को एक ही दिन परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पहले या बाद के दिनों में 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुँचना अनिवार्य होगा। साथ ही में सभी छात्रों को अपनी फोटो ID कार्ड लाना आवश्यक है, जैसे आधार कार्ड हो गया, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया आपका ID कार्ड, वोटर ID कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड इत्यादि जो भी आपके पास अवेलेबल हो। साथ ही में परीक्षा भवन में मोबाइल फ़ोन व किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण जैसे स्विच ऑफ मोड में ही होने चाहिए और लाना भी परीक्षा केंद्र के अंदर सख्त मनाही है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि उन्हें परीक्षा केंद्र पर अपने साथ ना लेके आएं। साथ ही में यदि आपके पास प्रवेश पत्र में आपकी फ़ोटो नहीं आई है तो कृपया अपनी परीक्षा से पहले 2 दिन जैसे दिखने वाली फोटोग्राफ्स आप उसमें यानी अपनी एडमिट कार्ड में चिपका सकते हैं। परीक्षा के दौरान कृपया कक्ष निरीक्षक और केंद्र अधीक्षक के निर्देशों का पालन करें, कक्ष निरीक्षक या केंद्र अधीक्षक के साथ दुर्व्यवहार दंडनीय अपराध है। उपरोक्त कोर्स कोड में जहां कहीं तिथि का उल्लेख नहीं है वहां ND लिखा है तो उसके बीच परीक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट में देखें। साथ ही में प्रवेश पत्र में अंकित तिथि तथा प्रश्न पत्र कोड विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दर्शाए गए परीक्षा कार्यक्रम तथा अन्य सूचनाओं से संबंधित होगा। विस्तृत जानकारी के लिए आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट देखें। साथ ही में OMR में केवल नीली व काली बॉल पेन का ही प्रयोग करें। तो इस इंस्ट्रक्शन को देखते हुए, इस एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को देखते हुए काफ़ी सारे छात्र छात्राओं के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन आए। सो सभी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नॉर्मली यही थे कि आपको इंस्ट्रक्शन में हमारे जो हॉल टिकट है उसके इंस्ट्रक्शन में मेंशन किया गया कि OMR से संबंधित इसमें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो क्या हमारे एग्जामिनेशन OMR बेस्ड होंगे। तो मैं सभी स्टूडेंटों को वन थिंग्स क्लियर करना चाहूँगा कि विश्वविद्यालय ने यही बताया है और आपके एग्जामिनेशन लिखित एग्जामिनेशन होने वाले हैं, यानी आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। विश्वविद्यालय ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आपके ट्रेडिशनल रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, यानी थ्योरी आपका सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होगा एंड आपका पेपर पैटर्न 2 आवर्स का आएगा। साथ ही में बैक के भी अगर आपने फॉर्म फिल करें तो बैक वालों के भी रिटर्न एग्जामिनेशन होंगे। अगर आपने फाइनल ईयर में इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करे थे तो फाइनल ईयर वाले आपके इम्प्रूवमेंट में भी आपका थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन ही विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जाएगा। जितने सारे स्टूडेंटों के अलग अलग क्वेश्चन है तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें, बिकॉज आपके रिटर्न एग्जामिनेशन ही होगा, ये विश्वविद्यालय ने क्लियर कर रखा है। और जो इसके रही बात आपके हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शन की, तो आप अगर 2017, 2018, 2019, 2020 के हॉल टिकट के इंस्ट्रक्शन भी रीड आउट करेंगे तो उसमें सेम ही रहते हैं। तो आप सभी लोगों को इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपके रिटर्न एग्जामिनेशन ही विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। साथ ही में तमाम उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड ओपन डिस्टेंस लर्निंग एंड उत्तराखंड न्यूज संबंधी जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ में पास नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।